दोस्तों क्रिकेट के खेल में एक से बढ़कर एक महान खिलाड़ी हुए हैं, लेकिन एक दिग्गज ऐसा भी हुआ है जिसकी महानता खेल के मैदान तक ही सीमित नहीं रही। इस क्रिकेटर ने अपने करियर में 1956 विकेट लिए, लेकिन इसके साथ साथ अपने देश के लिए जंग के मैदान में दुश्मनों के भी विकेट गिराए और लड़ते लड़ते देश के लिए जान कुर्बान कर दी। हम बात कर रहे हैं बाएं हाथ के स्पिनर हेडले वेरेटी के बारे में, जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं इस दिग्गज के बारे में। इनका जन्म 18 मई 1905 में हुआ था। यह एक ऐसे बॉलर थे जिन्होंने सर डॉन ब्रैडमैन जैसे बल्लेबाज तक को परेशान किया हुआ था। उनको उन्होंने सबसे ज्यादा 8 बार अपना शिकार बनाया। अब बात करते हैं वेरिटी के ऐसे रिकॉर्ड के बारे में जिसे किसी बॉलर के लिए तोड़ पाना शायद ही मुमकिन। 12 जुलाई 1932 के दिन हेडिंगले के मैदान पर यॉर्कशायर के इस बॉलर ने इतिहास रचा था। नॉटिंगहम के खिलाफ खेले जा रहे मुकाबले में खेल का दूसरा दिन बारिश की भेंट चढ़ गया था। उस वक्त यॉर्कशायर की टीम बल्लेबाजी कर रही थी और नॉटिंगहम की टीम से 71 रन पीछे चल रही थी, लेकिन बारिश के बाद इन्होंने यॉर्कशायर की टीम ने पारी घोषित कर दी। लेकिन इसके बाद वेरिटी ने ऐसी गेंदबाजी की जिस पर यकीन कर पाना मुश्किल था। उस दिन वेरिटी ने नॉटिंगहम की दूसरी पारी को अकेले ही समेट दिया, पूरे 10 विकेट अपने नाम कर लिए। यह कारनामा करने में उन्होंने महज 10 रन खर्च किए थे। उस दिन वेरिटी ने 7 विकेट 15 गेंदों में ही चटका दिए थे। ये दुनिया के ऐसे इकलौते गेंदबाज है जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 10 विकेट लेते हुए हैट्रिक ली है। इन्होंने 10 विकेट लेने का कारनामा टेस्ट में 2 बार किया हुआ। अब बात करते हैं इनके क्रिकेट करियर की। वेरिटी ने इंग्लैंड के लिए 40 टेस्ट मैचेस खेले जिसमें उन्होंने 144 विकेट लिए। इन्होंने पूरे करियर में 378 फर्स्ट क्लास मैच खेले जिसमें उन्होंने 1956 विकेट झटके। इन्होंने 10 विकेट लेने का कारनामा 54 बार किया है। ये सिर्फ एक क्रिकेटर ही नहीं थे, वे अपने देश के स्टैंडिंग आर्मी के सोल्जर भी थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम वे इटली में एक शहर में अपने साथी जवानों के साथ मोर्चे पर थे। इस शहर में जर्मन सेना मजबूत स्थिति में थी। जर्मन के खिलाफ लड़ रहे वेरिटी को एक शार्प शूटर ने गोली मार दी और उन्हें कैद कर लिया, लेकिन ज्यादा खून बह जाने के कारण 31 जुलाई 1943 में वेरिटी शहीद हो गए। उस समय वेरिटी की उम्र महज 38 साल थी। इनके करियर और सेक्रीफाइस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।